नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका जायवाल। हिंद कृषि शास्त्र के सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आज 9वां और अंतिम दिन है। पद यात्रा आज हजारों भक्तों के साथ ओरछा की ओर प्रस्थान करेगी। जानकारी के अनुसार सनातन हिंदू एकता पद यात्रा सुबह करीब 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओरछा पहुंचेगी, जहां हजारों सनातन भक्त एक साथ सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आज 9वां और आखिरी दिन है। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद धीरेन्द्र शास्त्री सभी श्रद्धालुओं के साथ भगवान राम के दर्शन करेंगे और इसके बाद बागेश्वर धाम के लिए निकल जाएंगे, साथ ही ओरछा धाम की ओर भी प्रस्थान करेंगे। अपने इस यात्रा की शुरू करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसे रोकने के लिए सड़क पर उतरना जरूरी है। ये बजरंग बली के भक्तों की भक्ति का उबाल है, ये हिंदुओं की जागृति का उबाल है। हमें बजरंग बली की कृपा पर भरोसा है। आज हम हिंदुओं पर भी भरोसा बढ़ा रहे हैं। जब एक आवाज में हिंदू एक दिन धर्म विरोधी के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे, तो उसी दिन देश में हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग भी देखें बागेश्वर जाम की ये वायरल वीडियो और कमेंट करके बताइए हमें अपने विचार।